ये तो भगवान गणेश जी की झांकी लगाने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन इन दिनों बालोद में लगी भगवान श्री गणेश की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जहां भगवान श्री गणेश के दर्शन करने आ रहे भक्तों को झांकी के जरिए जंगल, वन्य प्राणी और पानी का संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण संदेश दिए जा रहे हैं। वहीं जब इस मामले को लेकर झांकी आयोजन मंडल समिति से बात की गई तो उनका झांकी के माध्यम से लोगों में जंगल, वन्य प्राणी और जल को लेकर जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पंडाल में सबसे ज्यादा खासियत अच्छी है कि यहाँ पे सारे जंगल में रहने वाले सारे जानवरों का दृश्य दिखाया गया है, जिनको सुरक्षा प्रदान करने का बहुत जरूरत है। जिले के अंदर में जंगल के जानवर जब रोड पर आते हैं तो गाड़ियों से उनका एक्सीडेंट होने के बाद उनकी मौतें हो जाती है, तो उनको सुरक्षा देने के लिए इस पंडाल को बनाया गया है। और सुरक्षा इसलिए देना जरूरी है कि हमारे क्षेत्र के अंदर में जितने भी जंगल आते हैं, सारे जंगल के अंदर से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ग्रामीण के रोड गए हुए हैं, इसमें हर बार जानवर गाड़ी के दबने के कारण में मर जाते हैं। हम लोग हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश पंडाल बनाया बहुत अच्छा, और हमारा मेन उद्देश्य है वन्य प्राणियों की रक्षा करना और पेड़ कटाई बचाना और पानी की सुरक्षा करना, ये सब के प्रति छोटा